दोस्तों एनी टेक सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने फोल्डर पर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर का जो आइकॉन होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक के ऊपर हमारी अपनी पर्सनल पिक्चर लगी हुई है और दूसरे के ऊपर सिंपल फोल्डर का आइकॉन बना हुआ है। ये दोनों ही हमारे फोल्डर हैं और इसके अंदर हमारा डेटा भी सेव है। तो अगर हम इसके अंदर अपनी, ये कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, इसमें भी हमारे डेटा सेव है, लेकिन हम अगर यहाँ पर इसकी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही मेरा चैनल है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो पिक्चर चूज़ करते हैं जिसको हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर हमें ये पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें इसका जो फॉर्मेट है, जो कि हम देख सकते हैं, ये फॉर्मेट हमें इसका JPG फॉर्मेट है और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यू टैब पेज ओपन करते हैं और ऑनलाइन ICU कन्वर्टर की वेबसाइट है, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा और यहाँ पर हमें चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिक हमारी फ़ाइल, वो कहाँ है ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारी फ़ाइल कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 9799 हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है और कुछ ही देर में हमारे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन, ये देखिए हमारे सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। हम इसको शो इन फोल्डर में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। चलिए इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम चलते हैं इस फोल्डर की तरफ, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर यह कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। कस्टमाइज़ के बाद चेंज आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ब्राउज़ के ऑप्शन पर जाने के बाद हम ऑटोमेटिक डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारी जो कन्वर्टेड फाइल है वो यहाँ पर ही है। इसको हम क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको ओके करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारी फ़ाइल बड़ी ही आसान तरीके से हमारी ये फ़ाइल फोल्डर के ऊपर अप्लाई भी हो चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे डेटा भी वैसे की वैसे सारे डेटा सेव यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही ईजी तरीका था फोल्डर के ऊपर अपनी कोई भी पिक्चर लगाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक